हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ तो मिला। दोस्त इंडिया, आप लोग भी भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से अयोध्या, प्रयागराज, काशी और माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए IRCTC लेकर आए एक शानदार बजट टूर पैकेज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहे और ऐसी जानकारी के लिए कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम अयोध्या राम मंदिर ट्रायल विद वैष्णो देवी है। 10 nights और 11 days वाली इस टूर पैकेज की टूर डेट है 27 मई 2023। सबसे पहले आप लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी टेम्पल को विजिट करेंगे। इसके बाद आप लोग कटरा में श्री माता वैष्णो देवी को विजिट करने वाले हैं। प्रयागराज में आप लोग त्रिवेणी संगम और अलोपी देवी टेम्पल को विजिट करेंगे। वाराणसी में आप लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल को विजिट करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस टूर पैकेज में मिलने वाली फैसिलिटीज के विषय में। तो यदि आप लोग इकोनॉमी क्लास का पैकेज लेते हैं तो आप लोगों की ट्रेन जर्नी स्लीपर क्लास के माध्यम से होगी। नाइट स्टे करने के लिए बजट होटल में पर ऑक्यूपेंसी के हिसाब से नॉन एसी रूम प्रोवाइड किए जाएंगे। वॉश और चेंज करने के लिए बजट होटल में मल्टी शेयरिंग बेसिस के आधार पर नॉन एसी रूम प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें वन रूम में मैक्सिमम 4 to 5 पैक्स हो सकते हैं। और यदि आप लोग स्टैंडर्ड क्लास का पैकेज लेते हैं तो आप लोगों की ट्रेन जर्नी 3rd AC क्लास के माध्यम से होगी। नाइट स्टे करने के लिए बजट होटल में पर ऑक्यूपेंसी के हिसाब से एसी रूम प्रोवाइड किए जाएंगे। वॉश और चेंज करने के लिए बजट होटल में ट्विन और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस के आधार पर नॉन एसी रूम प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी फैसिलिटीज है दोनों कैटेगरी में सेम है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप लोगों को नॉन एसी व्हीकल की सर्विस मिलने वाली है। मील्स की बात करें तो आप लोगों को वेजिटेरियन फूड में मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सर्विस मिलेगी। पैसेंजर का ट्रेवल इंश्योरेंस रहेगा। आप लोगों को इस टूर में प्रोफेशनल और फ्रेंडली टूर स्कॉर्ट की सर्विस मिलेगी। ट्रेन में सिक्योरिटी की सर्विस मिलने वाली है। आप लोगों की इस टूर के दौरान आवश्यक सहायता के लिए IRCTC टूर मैनेजर की सर्विस मिलेगी और जो भी एप्लीकेबल टैक्स होंगे इस टूर पैकेज में शामिल होंगे। आप लोगों के इस टूर पैकेज में जो बोर्डिंग और डिबोर्डिंग पॉइंट होंगे वह है डिब्रूगढ़, सिमलुगुरी जंक्शन, मरियानी जंक्शन, दीमापुर, लुमडिंग जंक्शन, गुवाहाटी, रंगिया जंक्शन, न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन और सोनपुर जंक्शन होंगे। दोस्तों, इस टूर पैकेज में टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 780, स्लीपर क्लास में 580 और 3rd AC में 200। आप लोगों के हेल्प के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को बुकिंग में कोई प्रॉब्लम होती है या इस टूर पैकेज से संबंधित आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों का कितना चार्ज लगने वाला है। तो यदि आप लोग इकोनॉमी क्लास का पैकेज लेते हैं तो पर पर्सन चार्ज होगा 20,850 रुपीज। यदि आप लोग स्टैंडर्ड क्लास का पैकेज लेते हैं तो पर पर्सन चार्ज होगा 31,135 रुपीज। तो दोस्तों, ये थी इस टूर पैकेज के महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टूर पैकेज में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।